स्वर्ण व्यवसायी की हत्याकांड मामले में दो अपराधी गिरफ्तार। बिस्फी विगत 29 जुलाई को सिमरी बाजार स्थित स्वर्ण व्यवसायी गौरी शंकर ठाकुर की देर शाम हुई हत्या के दो अपराधियों को बिस्फी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। ये दोनों अपराधियों एक दरभंगा जिला के दहोरा गांव निवासी आनंद गिरी एवं दूसरा समस्तीपुर की सिंघिया बाजार निवासी चित्रंजन गिरी के रूप में बताया गया है। ये दोनों इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर लिया है। राजकुमार ठाकुर नाम का एक अपराधी पहले ही जेल भेजा जा चुका है। इन दोनों की गिरफ्तारी के साथ दो बाइक एवं मोबाइल को भी पुलिस अपने कब्जे में कर ली गई है। डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि इस कांड में शूटर सहित कुल 7 से 8 लोगों के शामिल होने की संभावना है। अब स्थिति बिल्कुल सामने आ गई है। अब अन्य अपराधियों के साथ शूटर को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कांड को उद्भेदन कर रहे पुलिस पदाधिकारी को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इस छापेमारी अभियान में बिस्फी थाना अध्यक्ष संजय कुमार, सदर पुलिस इंस्पेक्टर अमित कुमार, एएसआई सुरेश चौधरी, रविंद्र चौधरी सहित दलबल मौजूद थे। ऐसा हुआ है, क्या पूरी जानकारी बताएं? आपको विदित होगा कि सिमरी में एक व्यवसायी स्वर्ण व्यवसायी की हत्या हुई थी अपराधियों के द्वारा, जिसमें एक आदमी गिरफ्तार कर जेल गया है, राजकुमार ठाकुर। और इस कांड में जो शामिल था अपराधी, उसकी गिरफ्तारी दो हुई है। जो पकड़ाया हुआ है समस्तीपुर से गिरफ्तारी हुई है, एक सिलिया से और एक दरभंगा से हुआ है, मनीगाछी से। एक का नाम है चितरंजन गिरी, पिता दिनेश गिरी, ये सिंधिया का रहने वाला है, सिंधिया थाना समस्तीपुर का रहने वाला है। एक है आनंद किशोर गिरी, पिता का नाम है राजकुमार गिरी, दोहरा है मनीगाछी जिला दरभंगा के रहने वाला। दो गिरफ्तार हुआ है, ये स्वीकार किया है। इसके साथ ही और 5 हैं, उसकी निशानदेही हो गई है, चिन्हित हो गया है, तो सब गिरफ्तारी हो जाएगी। उस कांड में जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुआ था, वो मोटरसाइकिल भी बरामद है। और यमा है जो उसमें प्रयुक्त हुआ था, आप लोग देखे होंगे, बरामद हो चुकी है। अन्य की गिरफ्तारी इस कांड में उद्भेदन करने में हमारा थाना प्रभारी संजय कुमार, सुरेश चौधरी हैं, और गिरफ्तारी में गए थे अमित कुमार, इंस्पेक्टर टाउन मधुबनी। एक सुरेश हैं जो कि टेक्निकल सेल में हैं। ये सब उद्भेदन किए हैं कांड का। जो मृतक है उनसे क्या कुछ विवाद चल रहा था? विवाद था उसको राजकुमार ठाकुर को सेटिंग वही किया। एक यहाँ का भी और अपराधी है, नाम खोलना नहीं चाहेंगे अभी। और इसको लोभ भी था, अगर कुछ करेंगे तो बहुत कुछ बरामद भी हो जाएगा। पैसा का लेन देन का मामला? सुपारी के लिए ऐसा कुछ नहीं आया है। सुपारी के लिए ऐसा कुछ नहीं आया है, और बिंदु पर भी जांच हो रहा है। इन लोग का ये भी था कि अगर जेवर है तो वो भी हाथ लग जाएगा, कोई नहीं होगा। तो जब गोली चल गई, चला दिया और मारा गया, अन्य भी गिरफ्तारी हो जाएगी। इसमें सर मुख्य जो शूटर था उसकी गिरफ्तारी, वो भी गिरफ्तारी हो जाएगी, चिन्हित हो गया है वो। और भी अन्य भी काम जिले के कांडों में वंचित हैं, उसकी गिरफ्तारी भी बहुत जल्दी हो जाएगी, चिन्हित हो जाएगा।